नेहा कक्कड़ ने अपने हाल ही में आए बयान से अफवाहों पर लगाई है रोक। कहा है कि जितने लोग उतनी ही बातें। दरअसल दोस्तों, नेहा कक्कड़ की शादी जब से रोहन प्रीत सिंह से हुई है तभी से ये अपने काम को लेकर तो सुर्खियों में रहती ही है। जहां की अपने सिंगिंग करियर को लेकर खूब सुर्खियों में है, तो वहीं रोहन प्रीत सिंह से शादी के बाद नेहा कक्कड़ की पर्सनल लाइफ में भी लोग खूब दिलचस्पी लेने लगे हैं। और इसी के चलते लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि क्या नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट है, क्या वो प्रेग्नेंट होने वाली है, आखिर वो प्रेग्नेंट कब होंगी और क्या इनका डाइवोर्स होने वाला है। क्योंकि इतने वक्त तक ना ही कोई प्रेगनेंसी की खबर आई है और ना ही ये दोनों साथ में नजर आ रही है। तो क्या नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह का तलाक होने वाला है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि नेहा कक्कड़ का एक इंटरव्यू सामने आता है और उसमें वो एक बार फिर से इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए बोलती हैं कि जितने लोग उतनी बातें। हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे शर्म आती है लोगों के ऐसे कमेंट देख, लोगों की ऐसी सोच देख। मुझे लगता है कि शायद लोगों के पास खुद का काम बचा ही नहीं है और इसीलिए वो किसी की पर्सनल लाइफ में इतनी छानबीन करते रहती है। आगे नेहा कक्कड़ का कहना है कि मेरी जब से शादी हुई है सिर्फ दो अफवाह रही है, एक तो मेरा तलाक हो रहा है या फिर दूसरा मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। बहुत दुख होता है अपने बारे में ऐसी बकवास सुनकर, लोग गोसिप के लिए कुछ भी करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब बातों पर ध्यान ना दूं क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से नेहा कक्कड़ ने तो अपना पक्ष रख दिया है, उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कि कभी तो नेहा कक्कड़ का डाइवोर्स करवा देते हैं जबकि वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश है अपने पति रोहन प्रीत सिंह के साथ। लेकिन ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा। क्या गॉसिप के लिए कुछ भी करना सही है? और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।